हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपके लेकर आया हूँ भारतीय संविधान यानी भारतीय राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जो गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं आगामी, जैसे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम, असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन, SSC, CHSL, MTS, CGL, बैंक परीक्षा, PSC, पुलिस और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट में एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, उन सभी की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ऐसे प्रश्न दोस्तों जो परीक्षा में आए हुए हैं और जो भविष्य में एग्ज़ाम होने वाले हैं 2018 में, उनमें इन प्रश्नों के आने की अत्यधिक संभावना, क्योंकि मैं बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन ऐड किया हूँ। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 27 सितंबर 1925 को। RSS का जो निर्माण कब हुआ था इस संघ का, 27 सितंबर 1925 को, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, RSS का यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है, इसका आंसर है नागपुर में, ठीक है, कहाँ है, नागपुर में। RSS का मुख्यालय कहाँ दोस्तों, नागपुर में। अगला प्रश्न है, RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है, केशव बलिराम हेडगेवार, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन है, केशव बलिराम हेडगेवार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 6 अप्रैल 1980 को, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 6 अप्रैल 1980 को। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय जनसंघ स्थापना कब हुआ था, यह हुआ दोस्तों 21 अक्टूबर 1951 को। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी दोस्तों 21 अक्टूबर 1951 को। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों नई दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी जो BJP का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है, इसका आंसर है कमल, ठीक है। जो भारतीय BJP का चिन्ह क्या है, कमल। अगला प्रश्न दोस्तों, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 26 नवंबर 2012 को, ठीक है। आम आदमी कब हुआ, 26 नवंबर 2012 को, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विधि और न्याय यानी लॉ और जस्टिस मंत्री कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री कौन थे यानी लॉ एंड जस्टिस मंत्री, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है, तो दोस्तों 25 वर्ष, ठीक है। लोकसभा के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, 25 वर्ष, ठीक है। तो ये थे दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चंस राजनीति से जुड़े, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे ये। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।